नौजवानों के पास कोई काम ही नहीं है, जब वो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हमारे स्कॉलर ऐसे बैठे हुए हैं, एमटेक बीटेक। इसलिए मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जामिया पॉलिसी जो है सरकार को, मतलब क्या देख के, गवर्नमेंट के काम देख के, एक तो पहले ही उसको मेंटल डिस्टरबेंस आती है कि पीएचडी करके हूँ, कोई पोस्ट नहीं आ रहा है। इसके साथ जो हमारा शोपियान है, रब ने इसको एक इनायत फरमाई एप्पल की, तो पूरे दुनिया में मशहूर है खासकर शोपियान। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो हमारा अपना सोर्स है, इसको ज़ाया होने मत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, इंडिया 8 न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कई बार जो है सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या ऐसे नौजवानों को मदद करते हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस कश्मीर में ड्रग्स या बेरोज़गारी का वबा जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो आज भी मेरे साथ दो नौजवान हैं, डायनेमिक नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे। ज़िला शोपियान से दोनों का ताल्लुक़ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दोनों जो है ग्राउंड पर काम करते हैं, सोशल काम करते हैं या पॉलिटिकल काम करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दो चीज़ों का तोड़ क्या है, इन दो चीज़ों से हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं, एक तो ड्रग्स और दूसरा बेरोज़गारी। नौजवान जो है बेरोज़गार होते जा रहे हैं और कई सारे मामले ऐसे आए हैं जो ड्रग्स के, कई सारे ऐसे मामले पेश आए हैं जिनमें ये सामने आया है कि ये बंदा जो है ये बेरोज़गार था, पढ़ा लिखा था और डिप्रेशन, ड्रग्स और इन्हीं चीज़ों में मुलविस हो चुका है। तो सबसे पहले चौधरी अब्दुल अजीज़ से बात करना चाहेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका वेलकम करते हैं हम इंडिया गेट में। सोसाइटी को हम दो टोक अल्फाज में बात करना चाहेंगे कि सोसाइटी को हम किस तरह से बचा सकते हैं इन दो चीज़ों से। शुक्रिया बहुत बहुत शारिक साहब आपका। आप आए रोज़ जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए हमें बुलाते रहते हैं ताकि हमारे जो समस्या हैं वो हल हो सकें। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक बड़े अहम इशू पे बात कर रहा हूँ। यानी आपने दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें हिंट्स दी कि एक तो जो ये ड्रग एडिक्शन है और जो यहाँ का अनएम्प्लॉयड है, इसके जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं। मैं आपको बता दूँ कि ड्रग जो है उसके लिए अनएम्प्लॉयड ही मेन रीज़न है मेरी सोच में। मेरा अपना एक जो जो है वो एक्सपीरियंस ड्रग है, एडिक्शन बन मुझे चुका जहाँ है। तक पता है आप कि जब नौजवानों के पास जो कोई काम ही अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत जब ज़्यादा वो बढ़ पढ़े लिखे चुकी हैं, है हमारी, पीएचडी हमारे अगर जम्मू स्कॉलर ऐसे कश्मीर बैठे स्टेट हुए की हैं, बात करें, एमटेक यूनियन टेरेटरी की बात बीटेक करें, बड़ी बड़ी मुश्किल बड़ी ये इंडिया मेन करके रीज़न जो जो है है वो वो घरों में उसके बैठे बाद हुए में हैं। हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं। तो उसके बाद उनके पास कोई हल नहीं होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, ड्रग करते हैं। इसके लिए ठीक है पुलिस काम कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, लेकिन ये कोई अल्टरनेट हल मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है जनाब, आपने 10 लोगों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, उसके बाद कहा जनाब इनके खिलाफ हमने एक्शन लिया, उन पे पीएसए लगाए, वो और ज़रा डिप्रेशन हो गए, उन्होंने और ज़रा गलत काम किए। ये इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो सारी सोसाइटी है, हमारे जो यूथ्स हैं, जो हमारे यहाँ की एनजीओज हैं, वो सारे सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ की जो सरकार है यूनियन टेरिटरी के अंदर, एलजी साहब सारा कुछ देख रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए जनाब। लिटरेसी रेट जो नौजवानों की यहाँ आए रोज़ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रोज़ बरोज़ जो है बढ़ रही है, क्योंकि रिसेंटली जब एग्ज़ाम हुए, मैं आपको सीधी बात बता दूँ, जब पब्लिक इसने JKSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए, JEE का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें स्कैम हुआ जनाब। इसके लिए रिक्रूटमेंट हुई, बहुत सारी रिक्रूटमेंट हुई, तो उसमें सीधे सीधे जो स्कैम हुआ, और स्कैम के बाद क्या हुआ कि अभी तक उसके लिए JEE का एग्ज़ाम सरकार दोबारा से कंडक्ट नहीं कर रही है, SI का एग्ज़ाम था उसको कंडक्ट नहीं कर रही है। यानी घोटाले पे घोटाला, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम हो रहा है, जिसकी वजह से जो नौजवान भी परेशान हो चुके हैं, अब वो जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो चुके हैं। तो इसलिए मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जामिया पॉलिसी जो है सरकार को मरतब करनी चाहिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये हाल, जो ड्रग और दूसरी चीज़ें आए रोज़ देखने को मिल रही हैं, इनका हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि स्कैम हो रहे हैं, इसकी वजह से भी एक ये भी एक इशू है कि न पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं और मंशियात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है? जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि पुलिस बखूबी अपना काम कर रही है, अगर हम नॉर्थ से ईस्ट या साउथ सभी जगहों पर देखें जम्मू कश्मीर में, तो पुलिस बखूबी अपना काम जो है वो अंजाम दे रही है। लेकिन हमारी सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है? देखिए पहले कुरान भी है, और कुरान के अंदर वाज़ी अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम किसी बुरे काम को होते हुए देखो तो उसको रोको। तो सीधी सी बात पहले ये है कि हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमने इस्लाम के सारे लाज को जो है वो फॉलो करना है। तो उसी कारण पहली चीज़ यह है कि इस्लाम के पाए तकमील, इस्लाम को जो इम्प्लीमेंट करना है, हम इस्लामी लाज की बात कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है,
हमने कलमा पढ़ा है, हमारा ईमान है कयामत पे, अल्लाह ताला पे, तो सबसे पहले चीज़ यह है कि ये जो ड्रग है ये तो इस्लाम में ही, इस पहली चीज़ तो हमें इस्लाम की जो कानून है उसको पढ़ना है कि इस्लाम का इसके बारे में क्या रद्दमल है। इस्लाम हमें इन चीज़ों से मना करता है। हमारी अगर वाकई चीज़ पर हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, तो हमें सबसे पहले जो इस्लाम को देखना होगा और इस्लाम का जो कानून है उसको लाअमल मरतब करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको लागू करना होगा। और सबसे पहली चीज़ जो है, हमें हमारा अगर ईमान सही है, पक्का है, तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना होगा। सोसाइटी का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने सोसाइटी के बारे में सवाल किया, सोसाइटी दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे खुराफात हो रहे हैं। सोसाइटी के जो एनजीओज है, मैं उनसे कहता हूँ, जो हमारी बहुत सारी आज कहते हैं जनाब वो विंग बन गई, ये विंग बन गई, वो एनजीओ है, ये एनजीओ है, लेकिन क्या इन सारे एनजीओज का काम ऑन ग्राउंड पे है? क्या इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे सारी चीज़ें हैं? नहीं है। मैं इन सारी एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने सोसाइटी के लोगों से भी कहता हूँ, और अपने आप जो हमारी बहुत सारे यहाँ पे नौजवान काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जनाब आप ये काम करें, इसके लिए एक जामिया पॉलिसी मरतब करें, एक प्लानिंग बनाएं। उसके बाद जो ये आजकल हमारे नौजवान जो है ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्वमेंट हमारी हो रही है, तो उसके बचने के लिए हम सबको मुतहद होकर एक प्लेटफार्म पर आना है, और उसके बाद जो है इस मसले का हल है, वरना मुझे नहीं लगता कि आइंदा जो हमारा फ्यूचर है, हमारी न्यू जनरेशन है, वो बच पाई इस चीज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक और एक यहाँ पर हमारे साथ है मुदसर अहमद ठोकर साहब, इनसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि इस पे आप रोशनी डालें कि बढ़ता हुआ मनशियात की तरफ बढ़ता हुआ रुझान और पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोज़गार हो रहे हैं। मुदसर साहब, सबसे पहले आपका इंडिया गेट में हम वेलकम करते हैं और जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया है कि बढ़ता हुआ जो मनशियात का रुझान देखा जा रहा है, और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो लोग मनशियात में मुलविस है वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अनपढ़ नहीं है, गवार नहीं है, और पढ़े लिखे नौजवान है, और उनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अच्छा कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करे, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ रही है, बढ़ता हुआ रुझान जो मनशियात का, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? थैंक यू शारिक साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि चौधरी साहब ने बखूबी फरमाया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा वबा है जो हर एक मिन्नेस को जन्म देता है। तो मैंने अपनी नज़र में देखे कि मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने एमएड पीएचडी किया है, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल तो या तो पटरी पे नज़र आ रहे हैं या तो किसी कोने में बैठ के ड्रग्स के शिकार बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि समाज जो हमारा है ये कुछ डिफरेंट डिमांड कर रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कि रहन सहन लोगों का किस तरह से है, और उनके साथ मिक्सअप होना इकोनॉमी इज़ मस्ट। जब एक लड़का 20-25 साल 30 साल अपनी डिग्रियाँ करके, एमएड पीएचडी करके, पूरा अपना मेंटल कॉग्निशन जो उसकी है तो किताबों पे उसने सर्फ की हुई, तो एट द एंड उसको ये लगता है कि दैट आई एम गोइंग समवेयर टू सर्व द सोसाइटी, वेदर एज अ टीचर, वेदर एज डॉक्टर और इंजीनियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ देख के, गवर्नमेंट के काम देख के, एक तो पहले ही उसको मेंटल डिस्टर्बेंस आती है कि पीएचडी करके हूँ कोई पोस्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो 90% यूथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो उन्होंने भी डिसीजन लिया है कि हम 10 साल तक भर्ती नहीं करेंगे बिल्कुल, टीचर कोई नई टीचर भर्ती नहीं करेंगे। तो उसके पीछे वजह क्या है वो तो बखूबी उससे पहले भी मीडिया में आ चुका है। तो गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। तो अगर हम देखें कि मेरे पास एक पॉलिसी है जिसको मैं अडॉप्टेशन पॉलिसी बोलता हूँ, तो आने वाले वक्त में उस पॉलिसी को मैं तमाम यूथ के सामने रखूँगा, तो उस पॉलिसी के नस्बत अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 50-60,000 टीचर वैकेंसी ही आती है। तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि अगर लोग सामने आ जाए और इन चीज़ों पर बात करें, तो गवर्नमेंट को पॉलिसियाँ प्रोवाइड करें, तो जाहिर सी बात है कि अपना हक ढूंढने में किसी को दुश्वारी नहीं होती है। तो रही बात आप ड्रग्स की कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है पुलिस अपना काम कर रही है, मगर उनके पास भी मैजिकल वांड नहीं है, कि जादू उनके पास नहीं है कि फलानी जगह ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, फिस्तानी जगह ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, फलानी बंदा ड्रग में मुबतला है। उनके पास भी कोई मैजिकल वांड नहीं है कि उठे फिरिश्तों की तरफ और पहुंचे। तो उसमें भी पब्लिक को चाहिए कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके, जहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कंसर्न पुलिस जो है एक्शन लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब पुलिस इज़ ऑन द टूल्स टू इरिगेट दिस मैंस, बट उस चीज़ से ये सब खत्म होने वाला नहीं है। देखिए कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को देते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की वजह से दो चीज़ें उसमें आती है, सेंस ऑफ, एक तो सेंस ऑफ बीइंग उसमें आ जाता है कि मैं भी हूँ कोई, और बिल्कुल दूसरा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन और सोसाइटी में उसको एक एक अलग नज़रिया से देखा जाता है कि इज़ अ टीचर, ही कॉन्ट डू
रॉन्ग, ही इज ए बिल्कुल डॉक्टर, ही कॉन्ट डू रॉन्ग, बिल्कुल ही इज ए लेक्चरर, ही कॉन्ट डू रॉन्ग, ही इज ए पुलिसमैन, ही कॉन्ट डू रॉन्ग। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे आ जाती है तो उसका ऑल टुगेदर जो सिस्टम होता है, लोगों के साथ रहना बैठना, वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम देखते हैं कि जैसे चौधरी साहब ने खूब फरमाया कि स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं, दैट्स एन इनएबिलिटी टू गिव अ गुड गवर्नेंस रादर आई कैन से। तो ये भी ओपन मैं कह रहा हूँ, तो ये पॉलिटिकल सुसाइड भी है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग के सियासी जो क्या बोलते हैं हकूक है वो छीने जाते हैं। अगर एसएसबी को पोस्ट निकालने हैं, टीचर पोस्ट उनको निकालने हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में उनको पोस्ट निकालने हैं, वाई दे आर स्टॉपिंग इट फॉर 5 ईयर्स इन ऑर्डर टू अचीव द पोलिटिकल एंड्स। तो पीछे बैठे हुए हैं सियासतदान जो चाहते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ये हो जाए। जैसे इससे पहले हमारे जितने भी आरईटीज थे वो सेंटर की स्कीम थी, सेंटर की स्कीम को उन्होंने फिर स्टेट में मर्ज किया एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे जितने भी 50-60 हज़ार लड़के जिनको एसएसबी क्वालिफाई करना था, तो वो ऑल ऑल टुगेदर उनके ड्रीम्स जो है शैटर हो गए। जो जाहिर ठीक है, वो भी एडजस्ट हुए अपनी जगह, वो भी हमारे ही भाई है, एडजस्ट हुए। अब यहाँ पे मसला पड़ रहा है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त भी उतनी सारी वैकेंसीज है, तो वो चाहते हैं कि इनको वहाँ पे ही वो स्टॉप करे, नई रिक्रूटमेंट ना करे एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से हमारे पीएचडी स्कॉलर्स, एमएड, बीएड, जिन्होंने एक पर्टिकुलर डिग्री और किसी खास चीज़ के लिए की थी, यू कॉन्ट टेक एन एमएड स्टूडेंट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इन हॉस्टल। उसने पर्टिकुलर डिग्री हासिल किया है, किसी डॉक्टर को आप नहीं बता सकते हो कि आप किसी स्कूल में पढ़ा, उसकी बिल्कुल अपनी एक डिग्री है। तो बिल्कुल हमारे समाज में सब कुछ उल्टा, टॉपसी टर्वी, रादर आई कैन यूज़ द वर्ड हियर, टॉपसी टर्वी चल रहा है। ये मैं टीचर से बनूँ सुबह नौ पट हुए, पठवे ये मैं फॉरेस्ट गार्ड से बनाऊँ सुबह नौ टीचर, जिसको फॉरेस्ट गार्ड बनना है उसको टीचर बनाए, ये मैं टीचर उस बनूँ सुतुक राख। मैं एक लाइव एग्जांपल, एक फ्रेंड है मेरा, ही इज़ हैविंग एमए इन 3 सब्जेक्ट्स, नेट, पीएचडी, एमएड। तो जिस तरीके से उसने डिग्री हासिल की, तो मुझे लगता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसका अच्छा खासा फील्ड होता है। तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ही इज़ वर्किंग इन वाइल्ड लाइफ, सुषुप्तम जानवर अन रहे। तो सेम थिंग्स आर हैपनिंग हेयर। तो है इनके पास सोर्सेज है, अगर हम देखें टीचर स्टूडेंट रेशो भी, अगर हम देखें स्टूडेंट्स इन जनरल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 30:1 रेशो है इनका। तो जब मैंने एनालाइजेशन की, जब मैंने टेस्ट का डाटा मंगवाए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, तो जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी टीचर रेशो के हिसाब से ही 50,000 वैकेंसीज आ रही है, आनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर के लिए 50 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली पोलिटिकल सिनेरियो जो है वो इस चीज़ को सियासत कर रही है। तो जो करंट गवर्नमेंट है, दे आर ऑन द वर्ज, क्योंकि अब टाइम भी हो गया, इलेक्शंस आने वाले हैं। तो ये एक वो नहीं बोलते हैं ताश का जोकर है, इक्का है, आप लोग क्या फेंकिए, देखिए तमाशा देखिए, अगर है ये तो अप्लाई कीजिए। और दूसरी बात, एक अडॉप्टेशन पॉलिसी ये कर सकते हैं, जिसमें 30-40,000 यूथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल एडजस्ट हो बिल्कुल जाएंगे। तो बट मसला यहाँ पे पड़ता है कि कोई सामने आता ही नहीं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल शोपियान का, हमारा अपना एक ग्रुप है प्राइवेट स्कूल टीचर्स का ग्रुप है, उसी तरह कुलगाम का है, उसी तरह बारामूला, और धीरे धीरे पूरे कश्मीर में मैं ये कर रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, वो एक अपना ग्रुप बनाए और उनका डाटा हमने लेना है। उसके बाद उस डाटे को प्राइवेट स्कूल में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और उन प्राइवेट स्कूल और टीचर्स का रेशो क्या आ जाता है, उनको एडेप्टेशन पॉलिसी में लाया जाए, तो वो एक तरीका है। तो उस चीज़ से ये सब हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ग्राफ बता रहे थे मुदस्सिर अहमद ठोकर, जो बता रहे थे कि जो इस वक्त बेरोजगारी है और हम किस तरह से सरकारी नौकरी जो है किस तरह से हमारे पास आ सकती है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। चौधरी साहब से मैं फिर से एक बार यहाँ पे बात करना चाहूँगा। चौधरी साहब, जिस तरह मुदस्सिर साहब ने अभी जिक्र किया है कि इसमें उन्होंने एक ग्राफ तैयार किया है कि किस तरह से हम अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरियां किस तरह से मिल सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगा, क्या हमें बस सरकारी नौकरी तक ही नज़र रखनी होगी या जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में भी जाना होगा? मैं ठुकर साहब की बात बड़े गौर से सुन रहा था। वेलकम स्टेप है, अगर आपने ऐसा कोई लायमल मरतब किया है तो मैं इसको आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। देखिए ना, कश्मीर में एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं स्टेट पूरी रियासत की बात करूँगा, यहाँ लोगों का बहुत कम मन है प्राइवेट सेक्टर में काम करने। बिल्कुल बिल्कुल इनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल कश्मीर में, कश्मीरी बस इनको जॉब चाहिए सरकारी, बस सरकारी जॉब होगी, सारे काम प्राइवेट से करवाएंगे, लेकिन जो जॉब है ना
वो प्राइवेट, ये सरकारी होनी चाहिए। सारा प्राइवेट सेक्टर में हमारा जो कारोबार होता है, हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जनाब ये हॉस्पिटल प्राइवेट है, यहाँ अच्छी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन हमें जब जॉब चाहिए तो हमारे बच्चों वो को हमें स्कूल जाना सरकारी है तो यहाँ चाहिए। के हम बड़े बड़े इदारों में एडमिशन करवाएंगे, प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं गवर्नमेंट, लेकिन जब जॉब का मामला है तो हमें सरकारी जॉब चाहिए। तो ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं मुदस्सिर ठुक्कर साहब, मेरे भाई बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो इन्होंने अगर ऐसा कुछ लाइमल मरतब किया है तो ये वेलकम स्टेप है। हम सबको इस पर मुतहद होकर, हम सारे लोगों को आना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। जो शोपियान के बहुत सारे एक्टिविस्ट है, हमें आना चाहिए सबको। जो है हमारे अपना, अगर ये प्राइवेट सेक्टर एक है, एक स्ट्रांग सेक्टर बन रहा है, तो इससे बड़ी हमारे लिए कौन सी खुशखबरी है। ये तो बिल्कुल शुपियान के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। तो बिल्कुल। मैं ठोकर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए। यहाँ पर ठोकर साहब बता रहे थे कि इसके पीछे भी एक वजह है कि क्यों नहीं पढ़े लिखे नौजवान जो है क्यों नहीं जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना होता तो सबसे हमारा अपना एक प्राइवेट सेक्टर है, वो है अपल इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल बशर्ते कि अगर हम इस चीज़ को बखूबी समझें। समझे दी थोड़ा। आप देख रहे हो कि पूरे इंडिया की 20% इकोनॉमी जो है वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट पे मबनी है। आप परेशान होंगे कि कैसे, बिल्कुल इसके साथ जो हमारा शोपियान है, रब ने इसको एक इनायत फरमाई एप्पल की, बिल्कुल तो पूरे दुनिया में मशहूर है खासकर शोपियान के एप्पल्स। तो मसला हमारे साथ ये होता है कि हम जितना भी एफर्ट्स इसमें डाल देते हैं तो जो फ्रूट्स होने चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए, वो माइन्यूट आ जाते हैं, क्योंकि फॉरेन से एप्पल्स ट्रेड हो रहे हैं इंडिया, जिसकी वजह से हमारी मशियत जो है वो कम होती जा रही है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो हमारा अपना सोर्स है, इसको ज़ाया होने मत दीजिए। अगर हमारे एप्पल की पेटी फॉरेन होके 7,000 6,000 में बिकती है, उसके बाद दिल्ली में यही पेटी हमें 1,000 रुपये में बिकती है, उसमें इतना खर्चा चलने के बाद एक यूथ के पास, एक ज़मींदार के पास मिनिमम 200 to 300 रुपीज़ बच जाते हैं। वो उसके पीछे भी नेचुरल कलेमिटीज़ होते हैं। बस जब हम रियलिटी वो तब 300 रुपये बचेंगे जब एक हज़ार हजार में हजार में एग्जैक्ट बिकते एग्जैक्ट हैं। अब मसला यहाँ पे होता है कि अगर वो रेट हमें मिल जाती जो जिस रेट में असल में ये बिकता है, जैसे बिल्कुल कि हमारी से 5-स्टार होटल में एक एक से 200-200 में बिकता है, हमारी बिल्कुल तो पूरी पेटी में 200 नहीं आते हैं। मतलब बिल्कुल 70% जो 20% जो इंडियन इकोनॉमी है वो शोपियान के एप्पल पे डिपेंड कर रही है। तो हम लोगों को क्या मिलता है वो तो बखूबी आप जानते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल आज यहाँ पे नौबत आ गई है, पिछली बार ओले पड़ गए तो नौबत यहाँ पे आ गई है, भाई हमारा केसीसी माफ़ कर दीजिएगा। तो ये बिल्कुल कंडीशन है हमारी। तो अगर हमारी इस एप्पल इंडस्ट्री को आप अपलिफ्ट करते हैं तो ये भी एक वजह होती, तो लोग अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, उनके पास पैसा होता, उनके पास अगर कोई काम भी करते तो पीछे एक होप होती, होप सस्टेन लाइफ। नहीं भाई, मेरे पास है गुजारा तो आई कैन सस्टेन माई लाइफ विद अ कंपेयर पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर तो बिल्कुल रादर इन उसमें टॉपसी टर्वी होता है, अपसाइड डाउन होता है, कि काम करता पूरे साल मिलता कुछ नहीं, ऊपर से नेचुरल कलेमिटीज। तो ये भी एक वजह होता है फ्रस्ट्रेशन की। आप देखते रहते हो कि फलानी जगह सुसाइड, फलानी जगह हार्ट अटैक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल दैट इज़ नॉट हैविंग ए मेडिकल कॉज, रादर आई कैन से दिस इज हैविंग दिस डिप्रेशन एंड टेंशन दैट इज कॉज ड्यू टू दिस वेरी पर्टिकुलर नेचुरल कलेमिटी। बिल्कुल तो इस बारे में मैं आपकी चैनल की मदद से गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूँ कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट में जो रिसेंटली नेचुरल कलेमिटी हेल स्टॉर्म का शिकार बन गया है, तो जो उनके केसीसी है अप टू 3 लाख, तो गवर्नर साहब से भी लास्ट लम्हातों में मैं ये कह रहा हूँ, तो डोंट टेक लास्ट लम्हात एज एन आयरनी। तो गुजारिश कर रहा हूँ कि केसीसी कम से कम जिनका 3 लाख तक शोपियान डिस्ट्रिक्ट में केसीसी है वो माफ़ किया जाए, ताकि जो हमारा किसान भाई है, जो हमारा भाई है, कि वो डिप्रेशन का शिकार ना बने। थैंक यू, हैव अ नाइस बहुत डे। बहुत बहुत शुक्रिया था नाजरीन। मेरे साथ जो दो नौजवान थे उन्होंने अपनी राय दी है, उन्होंने अपनी राय यहाँ पर दी है कि किस तरह से हम एक नौजवान पोस्ट जो है एक नौजवान पीढ़ी जो है इसको किस तरह से बचा सकते हैं। सभी जो चीज़ें इनके पास इनके मन में थी इनके जहन में थी वो बिल्कुल इन्होंने वाजिया की है। तो नाजरीन दीजिए इस प्रोग्राम में इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।